नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर और मुकाबला में आज बात उस होनहार खिलाड़ी की जो आज सुबह तक 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए गोल्ड की उम्मीद बनी हुई थी, लेकिन 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ख्वाहिशों पर 100 ग्राम वजन भारी पड़ गया और विनेश फोगाट ओलंपिक के फाइनल मुकाबले से पहले ही डिस्क्वालिफाई हो गई। एक खिलाड़ी जो अपने खून पसीने से दिन रात एक करके अपने मैच की तैयारी करता है और अचानक फाइनल मुकाबले से चंद घंटे पहले जब उसकी मेहनत पर पानी फिर जाता है तो वो खिलाड़ी खुद कितना टूट जाता है, ये तस्वीरों से आप समझिए। निराश और हताश नजर आ रही विनेश फोगाट की ये तस्वीर पेरिस से उस वक्त सामने आई जब तमाम कोशिशों के बाद भी फाइनल में हिस्सा लेने से उन्हें मना कर दिया गया। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। जिस 100 ग्राम ओवरवेट होने की बात सामने आई वो कोई सरप्राइज जैसा नहीं था। सेमीफाइनल जीतने के बाद ही विनेश का वजन बढ़ गया था, जिसे कंट्रोल करने के लिए विनेश और मैनेजमेंट की पूरी टीम ने रात भर मेहनत की, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरी रात वर्कआउट करने और यहां तक कि अपने बाल तक छोटे करा देने के बाद भी 50 किलोग्राम के टारगेट से वो 100 ग्राम दूर रह गई। ऐसा इसीलिए क्योंकि शरीर में अब पानी बचा नहीं था, बॉडी पूरी तरह डिहाइड्रेट हो चुकी थी। विनेश के साथ जो हुआ वो सच में दिल को कचोट गया। पूरे हिंदुस्तान की उम्मीदें टूट गईं, लेकिन सबके बीच सियासत को कहां फर्क पड़ता है। विपक्ष को इसमें भी माइलेज दिखने लगा, दंगल में साजिश का एंगल घुस गया, सरकार पर सवाल खड़े कर दिए गए, वो भी तब जब सरकार ने इस पर जवाब भी दिया और पेरिस में पुरजोर विरोध भी जताया। ऐसे में सवाल है, क्या विनेश फोगाट के तौर पर विपक्ष को नया मौका मिल गया है? क्या सियासी पहलवान अब अपनी कुश्ती करने अखाड़े में उतर चुके हैं? आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन आपको सुनवाती हूं आज के बड़े बयान। इंडियन जो टीम थी, मैनेजमेंट कर रही थी, जो देख रहे थे, उन्होंने हमारी जो एक स्टार है जो मेडल जीतने की ओर जा रही हैं, हम ओलंपिक गोल्ड जीत सकते थे इसमें, तो ये क्या कारण हुआ कि वहां पहुंचते हुए एकदम कैसे वेट बढ़ गया, कैसे बढ़ा, कैसे बढ़ने दिया, क्या किसी ने ध्यान नहीं किया, क्या उसको बेचारे हमारी एक लड़की को ऐसे छोड़ दिया जिसको आपने सड़कों तक पे घसीटा और यहां तक वो पहुंची, देश के लिए लड़ रही है, वो उसके साथ ऐसी कैसे ऐसी स्थिति पैदा कैसे होने दी आपने? अब कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट 100 ग्राम ओवरवेट है। ये कितनी हास्यास्पद है, कितनी अपने आप में मजाक वाली बात है कि विनेश फोगाट जब गई होंगी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उस समय वजन हुआ होगा, जब क्वार्टर फाइनल जीता उस समय वजन हुआ होगा, सेमीफाइनल में हिस्सा लिया उस समय वजन हुआ होगा, अचानक ये 100 ग्राम ओवरवेट। पूरी दुनिया इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही क्या कि भारत की एक बेटी इतिहास रचने जा रही है? पहली बार ऐसा होता कि वो स्वर्ण पदक जीतकर भारत में आती, ये क्या बर्दाश्त नहीं हुआ पूरी दुनिया को? एक गहरी साजिश है विनेश फोगाट के खिलाफ। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया। भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है। 2020 टोक्यो ओलंपिक चक्र में 1,13,98,224 रुपये का आर्थिक सहयोग उसको किया गया था। 224 पेरिस ओलंपिक चक्र में भी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में 53,35,746 और वार्षिक ट्रेनिंग एवं स्पर्धा कैलेंडर में 17,10,000 कुल मिला के 17,45,775 रुपया हमारे खिलाड़ी को आर्थिक सहायता करके उसको सक्षम करा गया।
तो सरकार का पक्ष क्या है, सरकार ने विनेश फोगाट के लिए क्या क्या किया, और विनेश फोगाट जब इस मुकाबले से बाहर हो गई हैं, डिस्क्वालिफाई हो गई हैं, तो पूरा देश कितना हताश और निराश है वो तो आपने देख ही दिया। खुद खिलाड़ी की तस्वीर आप देखिए, वो कितना हताश, परेशान और निराश है, क्योंकि जीतोड़ मेहनत उनकी तरफ से की जा रही थी, आखिरी मोमेंट पर वो इस मुकाबले से बाहर हो गई हैं। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं सुनीता गोदरा जी, पूर्व चैंपियन हैं एशियन मैराथन के, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में हैं। शाजिया अलमी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, निवान शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, अलका तोमर रेस्लर हैं, रोहतास सिंह हैं हमारे साथ, प्रेसिडेंट हैं हरियाणा कुश्ती संघ के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग भदौरिया जी, आज शुरुआत आपसे करूंगी। एक खिलाड़ी जिसकी पूरी उम्मीद टूट चुकी है, खिलाड़ी जो जीतोड़ मेहनत कर रहा था और एन वक्त पर वो अपने ओवरवेट की वजह से उस मुकाबले से ही बाहर हो जाता है, इसमें नेताओं को साजिश वाला एंगल कहां से नजर आ रहा है? देखिए, ये जो सवाल है ये पूरे देश के लिए है। गोल्ड मेडल पूरे देश के लिए आने वाला था, पूरा देश खुश था, सभी लोग खुश थे। अचानक जब ये बात होती है कि 100 ग्राम ज्यादा हो गया, तो जाहिर सी बात है कि हमारा सवाल ये है कि भाई एक अचानक भाई कोई कुश्ती कोई लड़ रहा होता है तो क्वार्टर फाइनल की लड़ाई हुई होगी, फिर सेमीफाइनल की हुई, फिर फाइनल की है, वहाँ पे डाइटिशियन भी है, कोच भी हैं, वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट भी है, एक्सरसाइज करने वाले भी लोग होंगे, सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी ये चूक कैसे हो गई? तो ये सवाल किसी के मन में आएगा कि आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हो गया। तो हम तो इसकी जाँच की मांग कर रहे हैं, इसमें बुराई क्या है कि भाई हमारे देश का भाई नुकसान सभी का है ना, पूरे हिंदुस्तान, ये तकलीफ तो पूरे हिंदुस्तान वासियों को है। तो हम कह रहे हैं कि इसमें एक गहन जांच हो, तकनीकी तरीके से भी हो, और वैसे भी इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये कहाँ चूक रहेगी, किसकी वजह से ये हम एक गोल्ड लाते लाते देश का के लिए जो गोल्ड मिल रहा था ओलंपिक में वो नहीं मिल पाया। तो ये हम मांग कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि भाई इसकी गहन जांच होनी चाहिए, इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल ठीक आपकी मांगे हैं, आप चाहते हैं कि भाई कैसे मुकाबले से विनेश फोगाट बाहर हो गई, ये पूरे देश के सामने आ जाना चाहिए। हालांकि आयोग की तरफ से भी बयान सामने आ गया है, कोचेस की तरफ से भी जो बयान है वो धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं कि हुआ क्या था, कैसे वो ओवरवेट हो गई थी। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रही थी सर, आप तो वजह जानना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो साजिश वाला एंगल फिट करने की कोशिश की जा रही है अनुराग भदौरिया जी, ये कहां से आया है? आप तो ओलंपिक गए नहीं है, आप तो घुड़सवारी करते हैं, इतनी डिटेल जानकारी कि आपको ऐसा लग रहा है कि वहां पर साजिश हो गई विनेश फोगाट के साथ? मैंने आपसे क्या कहा, क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूं तो मैं जानता हूं स्पोर्ट्स के बारे में। भाई जब आपके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, सब लोग सबकी निगरानी में सारी चीजें हो रही हैं, तो ये सवाल तो उठेगा ही ना कि लगातार हमारा प्लेयर देश का नाम रोशन कर रहा है, लगातार जीतते आ रहा है, हर मैच जीतता चला जा रहा है, और लास्ट में अगर इस तरह की घटना हुई है तो स्वाभाविक है पूरे हिंदुस्तान को ऐसा ये तकलीफ पूरे हिंदुस्तान को है, और जब पूरे हिंदुस्तान को तकलीफ है तो पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है कि क्या हुआ है, आखिर क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ है। अनुराग जी, बार बार बताया भी जा रहा है, लेकिन ये साजिश वाला एंगल और किसने साजिश कर दी ये आप जरूर बताइएगा। इतने में शाजिया अलमी जी से सवाल कर लेती हूँ, ये साजिश किसकी है, कहाँ से आई, कौन सा एंगल आया, इस पर आगे विस्तार से चर्चा करूंगी। जांच का विषय ना, जांच से पता चलेगा। नहीं, आपको साजिश लग रही है तो कोई ना कोई तो साजिश करता आपकी नजरों में होगा ना। अब शाजिया अलमी जी, विपक्ष कह रहा है आपको तो पूरी दुनिया की खबर रहती है, भगवंत मान साहब आज विनेश फोगाट के परिवार से मिले तो पता चलेगी ना। अनुराग जी एक मिनट चाहिए, विनेश फोगाट के परिवार से मिले तो उन्होंने ये तक कह दिया कि कल तो कोई ट्वीट किया नहीं था प्राइम मिनिस्टर ने, आज उनकी हार के बाद जरूर ट्वीट कर दिया है। ये कहा जा रहा है कि वो आप लोगों के खिलाफ सड़कों पर उतरी तो उनके खिलाफ साजिश करवा दी गई। मुझे लगता है इससे ज्यादा गलीज और ओछा विचार नहीं हो सकता, और मुझे बहुत शर्म आती है ऐसे लोगों पर, और उनको मतलब अगर कोई करवाना भी चाहे, और ये जानते हैं जो भी जरा सा भी बुनियादी चीज जानता होगा, जिसका सामान्य ज्ञान होगा ओलंपिक्स को लेकर, किस तरह से होते हैं मैचेस और हीट्स में कैसे क्वालिफाई करते हैं और कैसे प्रिलिमिनरी राउंड के बाद जाते हैं, सेमीफाइनल्स होते हैं, उसको जानकारी होगी कि बहुत ही सख्त लॉ है और ओलंपिक संघ जो है इसको देखता है। और अगर कोई करना भी चाहे, मतलब अगर कोई देश करना चाहे, कोई डीप स्टेट करना चाहे, कोई खास तौर से मिलिशिया करना चाहे, तो कोई कर नहीं सकता, क्योंकि ये ओलंपिक संघ के नियम है। तो जाहिर सी बात है, जो इंसान ऐसी बात कर रहा है, मुझे तो लगता है बहुत ही छिछोरी और गंदी बात है। दूसरी बात ये है कि एक तो दिखा रहे हैं कि उनको इतना
ज्ञान नहीं है और अज्ञानता में डूबे हुए हैं। लेकिन दूसरी बड़ी बात, सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है कि विनेश फोगट ने, मुझे बात करने दीजिए, आप भी जांच की मांग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं जांच की मांग नहीं कर रहे हैं। आप नहीं चाहते कोई कोई इसमें जांच हो, गहन जांच हो, पता चले आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ? आप नहीं चाह रही हैं क्या? आपकी नियत, आपकी देश से नफरत और आपकी मोदी से नफरत, आप नहीं चाह रही कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए? मैं जवाब हो सकती हूँ, अगर मैं जवाब दे सकती हूँ अपनी बात से, मैं आपसे बात कर रही हूँ। इंक्वायरी होनी चाहिए मोदी की नफरत को छेड़ देने की। भदौरिया जी, पूरे देश के सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, मेरे साथ खिलाड़ी भी है। अनुराग भदौरिया जी, एक मिनट, आप यहाँ पर सियासत करने के लिए ना आप बैठे हैं ना कोई और बैठा है। आज खिलाड़ियों का मसला है, थोड़ा सेंसिटिव होकर बात कर लेते हैं। बोलिए शाह जी, जांच की बात कर रहा हूं, छोटेपन में अपने छोटे भैये बेचारे डूब गए हैं कि जवाब नहीं दे पा रहे। आप मांग कीजिए, कौन रोक रहा है? समाजवादी पार्टी ओलंपिक संघ से मांग करे कि हमें भरोसा नहीं है, हिम्मत है तो आप नहीं कर रही मांग? नहीं, क्यों करेंगे भारत मांग? हमें ओलंपिक संघ में यकीन है। आप नहीं कर रही है कि जांच होनी चाहिए? आप कर रहे हैं, आप नहीं कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है। अच्छा, अखिलेश यादव जी, आप जांच की मांग नहीं कर रही है? अखिलेश यादव, मैं जांच की मांग नहीं कर रही। जांच हो गई है, विनेश फोगट के पिताजी कह रहे हैं। अरे हम तो कर ही रहे हैं, हम तो चाहते हैं ना सच साफ। अरे प्राची जी, मैं बोल सकती हूँ? आप क्यों? अनुराग जी प्लीज, मैं अच्छा सुनिए, अलाउड है? आप मांग कर रहे हैं, रुक जाइए प्लीज। अनुराग भदौरिया जी, मेरे पास और भी मेहमान है, मेरे साथ पूरे खिलाड़ी हैं इस देश के, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। प्लीज रुक जाइए। प्राची जी, अगर आप ये बताइए, अनुराग जी आपको बुरा लगेगा फिर। मैं नहीं चाहती हूँ कि आज मैं तूतू मैं की राजनीति में पढ़ूं या एक दूसरे से बहस करवाऊं। थोड़ा सा रुक जाइए, रुक जाइए सर। अनुराग जी, मुझे पता है आपको विनेश फोगाट की बड़ी चिंता है, आपको खिलाड़ी की बड़ी चिंता है, उस चिंता का हल तो उन्हें दीजिए ना। प्राची जी, मैं अपनी बात जरूर खत्म करूंगी, बावजूद इसके कि कोई भी शख्स जो है झूठ में अपने फंसकर मुझे रोकने की कोशिश करे, मैं अपनी बात जरूर कहूंगी और अपना टाइम लेकर आऊंगी और मैं किसी तरह की बदतहजीबी को बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये कम शुरू तो करूं मैं, तभी तो कंप्लीट करूंगी। तो सबसे पहले विनेश फोगट के आप देखिए जवाब, उनके पिताजी के आप देखिए उन्होंने क्या कहा है। और विनेश फोगट जी लगातार लिख रही है मनसुख मंडाविया जी को, और उन्होंने कहा भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच मनसुख जी, बैंगलोर फ्रांस और एमईए भारत, किस तरह से आपने मुझे शेंगेन वीजा दिलवाया और मैं अपने भाई के लिए भी वीजा चाहती हूँ, उसमें भी मेरी मदद कीजिए। ये 30 अगस्त तक का है, ठीक और है। आज भी आप देखिए, नहीं अब आप देखिए, इस बार जो हुआ वो डिस्क्वालीफाई उनको इसलिए किया गया क्योंकि जो कैटेगरी है 50 के अब हो सकते हैं, आप 2 किलो भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि 52.1 था इसलिए किया गया क्योंकि उसके पास स्ट्रिंजेंट मेजर्स होते हैं। ये नियम जरूर लगातार जब से खबर सामने आई है ना शाजिया जी, नियम हम भी दर्शकों को बता रहे हैं और हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ वो है तो दुर्भाग्यपूर्ण, और वो दुर्भाग्यपूर्ण कितना है वो समझाने के लिए मेरे साथ खिलाड़ी भी है इस देश के, उनके पास जाओ। उससे पहले एक कॉमेंट निवान जी का भी ले लेती हूँ, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं आपकी पार्टी तो, निवान जी अब ये कह रही है कि पूरी दुनिया ही साजिश कर रही है, कि कौन साजिश कर रहा है? या आप लोग जानते हैं ओलंपिक के नियम क्या होते हैं, वहां कैसे पारदर्शिता के साथ वहां पर खिलाड़ी खेलते हैं? ये कोई आधार तो होगा ना आप लोगों का, इतना बड़ा शक आप लोग जाहिर कर रहे हैं। आपकी आवाज निवान नहीं पहुंच पा। देखिए, बहुत बहुत नमस्कार, और फॉर्चुनेटली मैं इस विषय पे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंटली बात कर सकता हूं क्योंकि मैं खुद एक नेशनल लेवल स्पोर्ट्स पर्सन हूं और मैं जानता हूं कि किस तरह से खिलाड़ी तैयारी करते हैं और किस तरह से माइन्यूटेस्ट ऑफ थिंग का ध्यान रखा जाता है। एक नेशनल स्टेट लेवल गेम में, ये ओलंपिक है, ओलंपिक में एक फाइनल मुकाबले में एक खिलाड़ी जो है वो किस तरह से ध्यान रख रहा होगा, किस तरह से वो स्ट्रिक्टनेस से अपना उसको फॉलो कर रहा होगा, जो मैंडेटरी एक्शंस होंगे वो लिए जा रहे होंगे, ये मैं समझता हूँ। उस लेवल पे जाके कोई भी खिलाड़ी जो है वो लाइटली नहीं ले सकता, ये बहुत क्लैरिटी से बीजेपी वालों को समझ लेना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने क्या कही, हमें ओलंपिक संघ पे यकीन है, हमें आप सुनिए, मैं अपना समय लेकर रहूंगा, मैं अपना समय लेकर रहूंगा, चाहे बीच में कोई शाजिया उलमी जितना मर्जी बोलती रहे, मैं अपना समय लेकर रहूंगा। आपको अपने बीच में बोलने में गुस्सा आता है तो आप भी चुप रहिए। मैं काम करती हूँ सर, मैं एक नियम लगा देती हूँ मेरे डिबेट में कि कोई मेरा एक शख्स बोलेगा, एक मेरा गेस्ट मेहमान बोलेगा तो दूसरा सबकी आवाज कम रहेगी। यही एक तरीका मुझे लगता है मुफीद कि मैं बात कर सकूँ आज के इस मुद्दे पर। निवान जी कंप्लीट करिए अपनी बात, आधार बता दीजिए मुझे एक बार।
जी मैं ये बोल रहा हूं कि अभी बीजेपी प्रवक्ता ने ये कहा कि हमें ओलंपिक संघ पे यकीन है, आज पूरा देश जो है वो अपनी बेटी के साथ खड़ा है और इनको ओलंपिक संघ पे यकीन है। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं कि कैसे ओलंपिक संघ पे पहले भी ऐसे सवाल उठाए जा चुके हैं। मैडम आपको इनको चुप कराना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे आप जनता को पता ही नहीं लगेगा की ओलंपिक संघ के सामने पहले भी ऐसे प्रोटेस्ट आ चुके हैं। केन्या की एक खिलाड़ी ने ऐसा प्रोटेस्ट जताया था जिसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, पूरे केन्या देश ने, पूरे उनके सिस्टम ने खड़े होकर ओलंपिक संघ के सामने आवाज उठाई थी और उनको अपना निर्णय वापस लेना पड़ा था। रिकॉर्ड में जाके चेक कर लीजिए, ये बीजेपी वाले हाथ खड़ा करके बैठ गए। अरे आपको शायद खबर की पूरी जानकारी नहीं है ना, आईओए का स्टेटमेंट आपको शायद नहीं पता, पीटी उषा जी ने क्या कहा शायद आपको नहीं पता। बढ़ती गई शायद आपको नहीं पता। सुनीता जी मुझे बेहतर जवाब देंगी, बस एक मिनट रुक जाइए। सियासत तो हम मुद्दे पर कर ही लेते हैं, आरोप प्रत्यारोप कर लेते हैं। मैं सुनीता जी से समझ लेती हूं। अब सुनीता जी, ये जो नेता दावा कर रहे हैं, अनुराग भदौरिया जी के मन में जो शंका है या निवान जी के मन में जो शंका है, ये क्या वाकई में इस एंगल से देखना चाहिए, होता क्या है ये वेट चेक करना, या आप देखिए ओलंपिक संघ पे सवाल खड़े कर रहे हैं तो कुछ तो आधार होगा ना। देखिए हमारा स्पोर्ट्स पूरा रूल से चलता है, स्पोर्ट्स लॉ, ये ओलंपिक है। कोई छोटी मोटी डिस्ट्रिक्ट की मीट होती तो वहाँ तो फिर भी फेवरेटिज्म मान लिया जाता, लेकिन ये स्पोर्ट्स लॉ से चलता है। मैं डे वन से विनेश फोगाट के साथ हूँ। कल जब उसने वर्ल्ड बीटर को हराया था तो हम सब भी बहुत खुश थे। ये एक बदकिस्मती है कि विनेश का वेट, देखिए वो बॉर्डर लाइन केस पे चल रही थी, वो 50 kg में गई है जबकि वो 53 kg में पहले करती थी और उसके बाद उसने 50 kg में अपना कट डाउन किया है। एक महिला के लिए 3 kg कट डाउन करना, और बॉर्डर लाइन केस 300 grams लेस था उसका 50 से। अब जब वो जद्दोजहद के साथ कम करके उसके बाद जब उसको उसका वेट हो गया, वो उसको क्वालिफाई कर गई, वेट उसका उस समय सही था 50 kg। उसके बाद जब उसने फाइट करनी थी तो नेचुरली वो नरिश करेगी अपने आप को ना, क्योंकि उसको ताकत चाहिए, उसको रेसलिंग करनी है। जब उसने वो न्यूट्रिशन लिया होगा तो ऑब्वियसली पहले से आप स्टाफ कर रहे हो तो फिर वेट बढ़ा होगा। रात भर उसने जद्दोजहद की और अपना वेट कम करने की कोशिश की, लेकिन एक लड़की के लिए 100 grams एकदम से, ये कोई तराजू तो है नहीं कि एकदम से कम हो जाएगा, अब वो रह गया। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, ये बदकिस्मती है कि हमारी चैंपियन लड़की विनेश फोगाट, जो कि पक्का मेडल लाने वाली थी, और उसका वेट से रूल के मुताबिक वो पीछे रह गई। अब सिर्फ जो आप बात कर रहे हैं इंक्वायरी होनी चाहिए, तो सिर्फ हमारा जो ओलंपिक संघ है वो इंटरनेशनल ओलंपिक संघ को सिर्फ ये कह सकता है कि एक बार जहां उसकी वेइंग मशीन, जहां उसका वेट तोला गया है, उसका एक बार रीचेक कर लें कि वहां तो सब कुछ सही था। अदरवाइज कोई और तरीका नहीं है, आप कितनी सियासत कर लो, वेट कैटेगरी है तो वेट कैटेगरी है, अगर मेल हार्मोन्स है तो मेल हार्मोन्स हैं, अगर फीमेल है तो फीमेल है। इसी तरह से हमारे रेसलिंग और बॉक्सिंग में ये एक परपेचुअल प्रॉब्लम है। बहुत क्लियर आपने कर दिया सुनीता जी कि ये कैसे चलता है, जद्दोजहद करनी पड़ती है, खिलाड़ियों के तहत सब कुछ बोला जाता है। अब अलका जी भी इस पर कुछ ऐड करना चाह रहे, फिर उताशी आ रही हूँ सीधा आपके पास, अलका जी भी इसमें कुछ ऐड करना चाह रही है। अलका जी यही कहता है ना नियम, तो एक सेकंड अनुराग जी, एक सेकंड, मेरे साथ दो और मेहमान है, चर्चा में ले आऊं प्लीज। अलका जी, प्राची जी, एक सेकंड अनुराग जी, मैं लौटूंगी, पांच सेकंड ज्यादा नहीं, समय बीत जाएगा सर, दो मेहमान नहीं आ पाएंगे चर्चा में, प्लीज रुक जाइए, ज्यादा नहीं, 5 सेकंड, अरे 5 सेकंड नहीं हो पाएगा सर, मुझे ब्रेक लेना है, मेरे साथ दो और मेहमान है, थोड़ी सी आवाज कम करिए, बोलिए अलका जी। मैं कह रहा नहीं, हो जाएगा मैं विजेंद्र, कोई इज्जत नहीं इनके लिए, अलका जी बोलिए प्लीज, एथलीट के लिए, शाजिया जी, दौरिया जी प्लीज रुक जाइए, दोनों की आवाज कम करिए, अलका जी को प्लीज बोलने दीजिए। अलका जी बोलिए, आप शुरू करिए मैम अपनी बात, आपकी आवाज अलका जी नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मैं ये कहना चाहती हूँ प्राची जी, वहां पे कोई साजिश नहीं हुई है विनेश के साथ, क्योंकि विनेश पहले दिन भी खेली थी, साजिश होती तो पहले दिन से होती, ठीक है, कोई साजिश नहीं हुई है। विनेश 53 kg में खेलती है सभी इंटरनेशनल टूर्नामेंट, और विनेश का वेट रहता है 57 kg, विनेश का वेट जो है बहुत ज्यादा रहता था, विनेश 53 में खेलती थी, लेकिन 53 में अंतिम पंगाल ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वालिफाई कर लिया था, इसलिए विनेश के पास कोई ऑप्शन नहीं था 50 kg के अलावा।
तो उसने 50 kg में क्वालिफाई किया। उसके बाद वो उसने बहुत ज्यादा मेहनत की 50 kg के लिए, दिन रात उस लड़की ने एक कर दिया है 50 kg वजन लाने के लिए, क्योंकि उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना वो बहुत हार्ड है, उसकी बॉडी में फैट बहुत कम है, उसने इतनी मेहनत की हुई है अपनी बॉडी के साथ कि उसमें फैट की कोई गुंजाइश नहीं है, तो उसका वेट बहुत हार्ड घटता है। ठीक, अगर वो खा लेती है, जैसे कि आपने देखा पहले दिन उसकी बॉडी उसने वेट दिया, उसके बाद उसने खाया पिया होगा, उसकी रिकवरी बहुत अच्छी हो गई उसकी बॉडी की। ठीक है, रिकवरी होने के बाद अगर आप दोबारा से वेट लाते वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल विनेश को हुआ, क्योंकि विनेश को रिकवरी भी बहुत जरूरी थी। आपका मुकाबला है ओलंपिक चैंपियन से, वर्ल्ड चैंपियनशिप से, तो आपको रिकवरी भी करना जरूरी है। उस टाइम पे हमें वेट नहीं देखना है कि हमारा वेट कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। ठीक है, तो विनेश ने अपनी वो रिकवरी पूरी की, अपना कॉम्पिटिशन कम्प्लीट किया, अपने आप को फाइनल में ले गई। ठीक है, फाइनल में ले जाने के बाद आपने देखा पूरा दिन उनका उस एरिना में गुजर गया, 3 फाइटें विनेश ने की, पूरा दिन उसका उस एरिना में गुजर गया। उसके बाद रात को 10-11 बजे उनको होश आया कि हमें अपना वेट भी चेक करना है, अगले दिन भी आपका वेट होना, ये रूल में है कि आप अगर फाइनल में पहुंच जाते हैं या मेडल टैली में, और देखिए मेडल टैली में पहुंच, ये बिल्कुल ऐसी बातें ना जो टेक्निकल बातें हैं और इन पर बातें होना जरूरी है, देश के सामने सच आना चाहिए कि विनेश फोगाट जो बहुत सबके लिए उम्मीदें थी वो कैसे बाहर हो गई। यही सवाल रोहताश जी मेरा आपसे भी है, ये और क्लियर करूंगी, बस एक मिनट मैम मैं लौट रही हूँ आपके पास, रोहताश जी भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। रोहताश जी ये मैं कैसे देखूं इस पूरे मामले को, विनेश फोगाट के तौर पर हमारी उम्मीद तो टूटी, वो खिलाड़ी भी कितना टूटा वो तस्वीरों में हम देख रहे हैं जो गोल्ड ला सकता था भारत के लिए, इसमें साजिश वाला एंगल कहीं फिट हो रहा है आपके हिसाब से? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज रोहताश जी। एक मिनट लूंगा, इस साजिश के मामले में हमारे पास कोई तथ्य नहीं है, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है, और अगर साजिश हुई है तो बड़ी शर्मनाक बात है। मगर इसके हट के मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे, जब विनेश फोगाट ने कल कुश्ती लड़ी तो वेट दे के कुश्ती लड़ी थी, और 50 किलो ही उसका वेट था, और 3 कुश्तियां जीतने के बाद वो सेमीफाइनल को जीत के फाइनल में पहुंची है, उसके बावजूद उसको 100 ग्राम वेट के लिए, क्योंकि वो लिविंग ह्यूमन बीइंग है, जूस पीने से या खुशी से बढ़ गया होगा वो, ठीक है कानून के हिसाब से रूल के हिसाब से आप निकाल सकते हो, लेकिन बड़े बड़े संविधानों में भी संशोधन होता कानूनों का। मगर मैं इसके अलावा एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर कोई लड़का फाइनल में फेल होता है तो उसका 10वीं का सर्टिफिकेट कैसे छीन लिया जाएगा, तो उसका सिल्वर मेडल कैसे छीन लिया जाएगा, मेरा सवाल ये है इस सिस्टम से। तो भारत सरकार बहुत बड़ी है अपने आप में। ठीक है रोहताश जी, आप जब बात कर रहे हैं आपका वीडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन आपने जो बात कही है वो एक आम हिंदुस्तानी की बात है और हम सबको यही उम्मीद है। आज सुबह जब ये खबर सामने आई सबको लग रहा था कि शायद सिल्वर मेडल तो कम से कम भारत के पास बरकरार रहेगा, लेकिन जो रूल्स हैं उसके मुताबिक वो भी नहीं है। जो मेहनत पूरी की थी विनेश ने उस पूरी मेहनत पर पानी फिरा है, और इसीलिए साजिश का एंगल इसमें फिट करने की कोशिश भी की जा रही है। विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई नहीं हुई बल्कि भारत की जो उम्मीदें हैं वो पूरी तरीके से टूट गई। अब इस पर सियासत भी हो रही है, इसे सियासी एंगल से देखा जा रहा है, इसमें साजिश का एंगल देखा जा रहा है। अनुराग जी आप बार बार कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, आपका कंसर्न यह है कि विनेश फोगाट के साथ जो हुआ वो पता चलना चाहिए पूरे देश को कि कैसे हो गया। मुझे बस एक आध कोई अपना आधार बता दीजिए, बस कुछ पॉइंट्स बता दीजिए जिससे मैं कन्विंस हूं, सुनीता जी ये कन्विंस हो जाएं कि वाकई में ये कोई साजिश थी जो अनुराग जी को दिख रहा है और शायद हमें ना दिख पा रहा हो। आवाज मिल रही है अनुराग जी? नहीं, उनको आवाज नहीं मिली है। चलिए अनुराग जी आपसे संपर्क शायद टूट गया। यही सवाल निवान जी मैं आपसे भी पूछूंगी, आप लोग भी बड़े गंभीर हैं और आपके नेता पुरजोर तरीके से कह रहे हैं, आप तो ट्वीट की टाइमिंग भी देखकर उसे कई एंगल से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई मुझे 3-4 पॉइंट्स ऐसे बता दीजिए कि वो रूल के हिसाब से नहीं हुआ और इसमें साजिश हमें ढूंढनी चाहिए। देखिए सबसे बड़ा पॉइंट, अगर आप पॉइंट्स जानना चाहते हैं, सबसे बड़ा पॉइंट तो विनेश ने खुद ही पहले जाने से पहले बोला था, आप उनके ट्वीट निकाल के देख लीजिए, उन्होंने खुद कहा था कि मेरे साथ वहां साजिश हो सकती है,
उन्होंने खुद कहा था कि मेरे पानी में ऐसा पदार्थ मिलाया जा सकता है जिससे जो है वो मैं डोप टेस्ट में फेल हो सकती हूँ। ये उन्होंने खुद आशंकाएं जताई थी। आज हम केवल इतना कह रहे हैं कि अगर हमारे खिलाड़ी को बाहर कर दिया गया है जो गोल्ड की प्रबल दावेदार थी, जिसने विश्व की विजेता को, जिसको आज तक कोई हरा नहीं पाया, उसको हराया है, तो हमारी सरकार ने हाथ क्यों खड़े कर दिए हैं? मैं केवल इतना कह रहा हूं कि अपनी बेटी के लिए लड़ लो। हो सकता है कि सही है गलत है वो बात की बात है, कम से कम आवाज तो उठाओ उसके लिए, उसको सपोर्ट तो दो। आप तो बैठ के इतना नकारात्मक तरीके से ये प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हमें ओलंपिक संघ पे विश्वास है। अरे अपने खिलाड़ी पे विश्वास करो आप। अगर शाजिया जी की बात चलिए मैं एक मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात चलिए एक मिनट के लिए नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे साथ जो खिलाड़ी जुड़े हुए हैं, चाहे सुनीता जी की बात करूं, चाहे कुश्ती संघ की बात करूं, उनकी बात तो मानेंगे ना आप? उन्हें तो कोई बू नहीं आ रही साजिश की? ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं दूसरे चैनल पे भी डिबेट करके हैं जो बोल रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। एक एक अगर अगर जांच होने की बात है तो हमारा देश आवाज क्यों नहीं उठाएगा? हम तो विश्व गुरु है ना, हम तो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई रुकवा सकते हैं। तो क्या हम अपने खिलाड़ी के लिए आवाज नहीं उठा सकते? अच्छा चलिए ठीक है, आवाज उठाने की बात कर रहे हैं, थोड़ा जोर क्लियर कर देते हैं, बताइए आवाज कैसे उठेगी? नियम आपको मुझसे ज्यादा पता होंगे ना, तो बताइए कैसे? आपको एक एग्जांपल दिया कि किस तरह से केन्या ने अपने खिलाड़ी के लिए आवाज उठाई जिसको ऐसे ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और वो जो निर्णय था उसको रिवोक किया गया। अब सुनीता जी प्लीज मुझे एक बार समझा दीजिए, क्या ये जो आवाज उठाने की बात कही जा रही है, क्या ऐसा हो सकता है? ओलंपिक्स के रूल के मुताबिक इंटरनेशनल ओलंपिक संघ को हमारा इंडियन ओलंपिक संघ अपील कर सकता है। वो हमारी सरकार उसके ऊपर पूरा जिस तरह से मोदी जी ने कहा है तो उस तरह से और भी प्रेशर डाल के अपने इंडियन ओलंपिक संघ को, जो वहां उनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं, उनको कह सकता है कि पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लो कि उसके साथ कोई नाइंसाफी तो नहीं हुई है। ये तो कर सकते हैं, लेकिन देश जाके ओलंपिक कमेटी में कुछ नहीं कह सकता है। प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, स्पोर्ट्स रूल से चलता है। अगर कहीं कोई भी कंट्रोवर्सी या कोई भी कॉन्स्पिरेसी हुई है तो वो हमारे इंडियन ओलंपिक संघ को इंटरनेशनल ओलंपिक संघ के साथ में उसको उठाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर इंटरनेशनल ओलंपिक संघ जो डिसाइड करेगी, क्योंकि सब कुछ रूल से चलेगा। वहां पर हम हिंदुस्तानी कितने भी दुखी हो जाएं कि हमारी मेडल विनर के साथ में इतना बुरा हुआ है, बेइंसाफी हुई है, या ये कह लो कि ये बिल्कुल एक तरह से अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आवाज उठा सकते हैं। वहां पर जो ऑन रूल सिर्फ हमारा नेशनल जो ओलंपिक संघ है वो इंटरनेशनल से अपील कर सकता है। अब शाजिया जी, जो आरोप है जो निवान जी ने कहा, उन्होंने आधार बनाया विनेश फोगाट के बयानों को, वो आधार बना रहे हैं विनेश फोगाट ने जो संघर्ष किया था, वो जो सड़कों पर आई थी, वही कुमारी शैलजा कह रही है कि आपने पहले सड़कों पर घसीटा बेटी को और अब जब नाइंसाफी हो रही है तो सब खामोश। विनेश फोगाट के बयान मैंने पढ़कर आपको सुनाया है, जिन्होंने बाकायदा एमईए भारत को और मनसुख जी को बार बार धन्यवाद कहा है और कहा है मैं बहुत ही कृतज्ञ हूं जिस तरह से आपने मेरी मदद की है, जिस तरह से वीजा लेने में आवाज कम कर दीजिए निवान जी की, बोलिए शाजिया जी। तो देखिए जिस तरह से विनेश जी ने लगातार बार बार धन्यवाद कहा है और कहा है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और कृतज्ञ हूँ जिस तरह से मेरी फौरन मदद की गई है और मेरे परिवार वालों की, उसके लिए मैं बार बार धन्यवाद देती हूँ। और ऐसे कई उनके ट्वीट्स हैं जिन्होंने मनसुख जी के लिए खासतौर से लिखे हैं। इसके अलावा मैं बता दूं, प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि आप चैंपियंस में चैंपियंस हैं, और आपको क्या लगता है कि इंडियन ओलंपिक संघ की तरफ से जरूर इसमें अपील भी की जाएगी और जो वेइंग मशीन की बात कही गई है उसको देखना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए खुद दिनेश कितनी परेशान थी कि रात भर उन्होंने मेहनत की है, मशक्कत की है, कभी कभी वाटर रिटेंशन होता है, उसके लिए भी दवाइयां होती हैं, कई कई बहुत सी कोशिशें की जाती है कि कैसे वेट बढ़ा, तो अपने आप में दिनेश कितनी परेशान होंगी उस पर आप ही सियासी उस पर बात कर रहे हैं। हमारा ओलंपिक इंडियन संघ तो कहेगा और जांच की बात करेगा, लेकिन और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको क्या लगता है अगर उनको गोल्ड मिलता तो भारत पूरा खुशी के लहर में नहीं डूबता? आपको क्या लगता है? सबसे ज्यादा भारत की खुशी में तो प्रधानमंत्री जी की खुशी होती, हम सबकी खुशी होती, हम क्यों को ऐसा करेंगे? और खुद बाकायदा शाजिया जी भगवंत मान साहब ये कह रहे हैं, फिर आ रही हूं अनुराग जी आपके पास, भगवंत मान साहब ये कह रहे हैं कि कल जब बेटी जीती थी और उसने क्वालिफाई किया था फाइनल के लिए, तब एक ट्वीट नहीं किया,
तब बीजेपी के नेता खामोश हो गए, प्राइम मिनिस्टर खामोश हो गए, आज सहानुभूति दिखा रहे हैं। अरे हम सब ने किया है, हम सब ने किया है ट्वीट और उस पर बयान दिए हैं। क्या बात कर रही हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री जी, जब कोई हारता है हमेशा बात करते हैं, और हमेशा जो खास तौर से जब कोई हारता है और वो हमेशा बात करते हैं, और बहुत ही प्यारा ट्वीट उनकी तरफ से आया है और एक्सप्लेनेशन आया है, और प्रधानमंत्री तो इंतजार कर रहे थे कि गोल्ड और सिल्वर मिलता अनुराग जी हमारी टीम को। ठीक है, ये तो उम्मीदें हम सबकी थी, अनुराग जी आपकी भी थी, मेरी भी उम्मीदें थी। क्या ये जो साजिश वाला एंगल है, ये सब कोरी सियासत है, एक मौका है जो लपकने की कोशिश की जा रही है? मुझे एक बात समझ में नहीं आती। देखिए, बिजेंद्र सिंह भी बॉक्सर रहे, वो कह रहे मैं 3 बार ओलंपिक खेला हूं मैं, और लेकिन ये सीधा माने कभी भी इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, ये सीधा सीधा भारत को गोल्ड रोकने का षड्यंत्र है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बॉक्सर विजेंद्र कह रहे हैं, और पूरे हिंदुस्तान को एक साथ इसके लिए खड़ा होना चाहिए। तो क्या उनको भी झुटला देंगे? सवाल ये है कि हमारा गोल्ड हमें जो देश को मिलने वाला था नहीं मिला, हम सब दुखी हैं, हम मांग कर रहे हैं भाई, आप मांग भी नहीं कर रही है, बहस और कर रही है यहाँ बीजेपी। अरे भाई, आप ही मेरे साथ खड़े हुए, हाँ, इंडियन ओलंपिक को वहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक के से बात करनी चाहिए, बात करके उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, उसका सच पता लगाना चाहिए, इतना ही तो आपको बोलना है, इतना भी आप नहीं बोल रही है, आप दूसरों पे आरोप लगा रही है, कमाल है भैया, मान गए आपको, मान गए नमस्कार नमस्कार। देखिए, मैं सबको आपके बीच में बोलने से रोकती हूँ, तो मैं आपको भी रोकूंगी। चुप कराइए, मैं इनके बीच में बोलिए बोलिए अनुराग जी बोलिए इनके बीच में नहीं बोला मैं, बोलिए। मैं तो बस इतना ही कहता हूँ, हम लोग यही तो मांग कर रहे हैं कि हमारा इंडियन ओलंपिक जो एसोसिएशन है वो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन से बात करे और इसकी जांच करवाए, और बीजेपी के प्रवक्ता इस पे जांच कराने की बात नहीं कर रहे, जबरदस्ती विपक्ष राजनीति कर रहा है, विपक्ष। अरे भैया, विपक्ष कहाँ राजनीति कर रहा है, हम तो साफ साफ कह रहे हैं, यहाँ बॉक्सर विजेंद्र भी यही कह रहे हैं ना, कि ये इसके पहले कभी नहीं हुआ, ये सीधी सीधी गोल्ड रोकने का षड्यंत्र है। क्या विजेंद्र की बात भी बॉक्सर की बात झुटला दे? आप आईओए की बात कर रहे हैं, आप इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात कर रहे हैं। एक सेकंड शाहजेल में जी, अनुराग जी, आप बात कर रहे हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, आप भारतीय ओलंपिक संघ की बात कर रहे हैं। एक मिनट, एक पॉइंट आने दीजिए, आपसे ही सवाल पूछ रही हूँ, आप ही का पॉइंट क्लियर हो पाएगा। आप उनकी बात कर रहे हैं कि कम से कम वो मांग तो उठाएं, जांच की बात कहें। आपने शायद बयान सुना होगा, पीटी उषा ने भी कहा है, उनका बयान ऑफिशियल बयान सामने आया है, वो ये कह रही है कि जहां जहां हम इस मामले को उठा सकते हैं हम उस मामले को उठा रहे हैं। इस पर भी यकीन नहीं करेंगे आप? और सोचिए, पीटी उषा बाकायदा पूरा ओलंपिक कह रहे हैं, और कौन कह रहा है? वही तो हम कह रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, वही तो हम कह रहे हैं ना कि जोरदारी से और इसको मतलब मजबूती से मांग उठनी चाहिए। तो बीजेपी इसमें क्यों हल्ला मचा रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई। उनको भी मेरे साथ खड़े होना चाहिए और मजबूती के साथ खड़े होना चाहिए। राष्ट्र का मामला है, देश का मामला है, गोल्ड का मामला था, देश के नहीं, यहाँ देश का नाम होने वाला है। मैं जानती हूँ सर, ये देश का मामला है अनुराग जी, आपके जो सेंटीमेंट्स हैं या आपकी जो भावनाएं हैं अनुराग जी, आपके जो सेंटीमेंट्स कोई गड़बड़ तो नहीं है अनुराग जी, हम सब मिलके अनुराग जी एक मिनट रुक जाइए, आपके सेंटीमेंट, आपकी जो भावनाएं, इसकी जांच होनी चाहिए, सुनेंगे इसकी जांच करने के मांग, अनुराग जी बोलने लगते हैं, दोनों एक साथ बोलने लग जाएंगे, तो जो आप विनेश फोगाट के इंसाफ की मांग कर रहे हैं वो आ नहीं पाएगा ना, हम दोनों एक साथ बोलने लगेंगे। आप बार बार विनेश फोगाट की बात कर रहे हैं, आपके जो सेंटीमेंट्स हैं या आपके जो इमोशंस हैं, मांग क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं आ पाएगा? तो जाइए, सवाल सुनेंगे तब तो जवाब आएगा ना अनुराग जी। आप पहले से तय कर लेते हैं कि आपको क्या जवाब देना है। आपको हर मुद्दे पर आकर सिर्फ और सिर्फ क्योस्क पैदा करना है, आप और कुछ नहीं कर सकते। आवाज थोड़ी कम करिए, अब नहीं हो सकता अनुराग भदौरिया जी ऐसे, आपको पहले सुनना तो पड़ेगा ना। जवाब देना चाहूंगी मैं आपसे, बार बार कह रही हूँ कि आप खड़े हैं विनेश फोगाट के साथ, मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको दुख हुआ है, मुझे भी दुख हुआ है, पूरे देश को दुख हुआ है, लेकिन आपसे सिर्फ इतना जान रही हूँ कि अभी जो स्टैंड देश ने लिया है आईओ से बड़ा तो नहीं है ना अभी कोई, उस पर तो यकीन करिएगा ना, तो फिर क्यों कह रहे हैं आपके देश कुछ नहीं कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों नहीं खड़े होते, क्यों नहीं बोल रहे कि मांग होनी चाहिए? चलिए, अरे हम मांग कर रहे हैं भाई, भारतीय जनता पार्टी की बात है, प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी, पीटी उषा जी से प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, आप मिनिस्टर की बात है, मैं बात कर लूं अब शाजी जी, मैं फिर सीधा आपके पास आ रही हूं, नहीं आप ही कंप्लीट करेगा, आप ही को जवाब देना है, एक मिनट रुक जाइए बस। अनुराग भदौरिया जी, आपको बीजेपी के प्रवक्ता मांग उठाए इस बात की पड़ी है या देश की प्राइम मिनिस्टर का स्टैंड क्या है इस बात से पड़ी होगी? प्राइम मिनिस्टर कोई कदम उठाएंगे तब जाकर ना इंसाफ मिलेगा विनेश फोगाट को।
बात की है ना उन्होंने पीटी उषा जी से। हाँ बोलिए। सवाल ये है कि सवाल एक जब हम मांग उठा रहे हैं तो बीजेपी वाले क्यों परेशान हैं, इनको भी तो बोलिए शाजी, यानी प्राइम मिनिस्टर की जननी है, प्रवक्ता करके दिखाएंगे तब अनुराग भदौरिया जी मांग। बोलिए अब शाजी जी, सभी आवाज अनुराग जी। प्राइम मिनिस्टर जी ने देखिए इंडियन ओलंपिक संघ से ऐसे और प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा पीटी उषा जी से ना सिर्फ बात की है लेकिन सारे डिटेल्स दिए हैं। और सोचिए पहली बार ऐसा हुआ है कि पीटी उषा जो है इस कंटिजेंट को हेड कर रही हैं। कांग्रेस और समाजवादी के दौर में क्या होता था, कलमाडी जैसे लोग करते थे जो इसमें पैसा खाते थे, इस पीटी उषा जैसी कितनी केपेबल और खुद एक चैंपियन जो है बाकायदा करे। और आपको क्या लगता है वहां के कोच, वहां के सारे हमारे खिलाड़ी, विनेश जी के परिवार वाले, आपको लगता नहीं वो बार बार मांग कर रहे होंगे? आपको लगता नहीं कितना दुख वहां होगा, कितना हंगामा हुआ होगा, कितनी बार इस टेस्ट की बात की गई होगी, कितनी बार वेट लेने की बात होगी, कितनी बार वेट मशीन को जाकर फिर लगातार बोल रहे हैं आप? क्यों नहीं बोले, बोलने दे रहे अनुराग जी की थोड़ी। हाँ बोलिए प्राची जी, गलत है ना, मैं बोल नहीं पा रही हूँ लगातार। आप देखिए आप, हम प्राची जी हम ये कह रहे हैं कि आपको लगता है कि इंडियन ओलंपिक संघ जो पूरा कंटिंजेंट क्या है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे फिजियोज हैं, जो हमारे कोच हैं, हमारे खिलाड़ी हैं, हमारी पीटी उषा हैं, आपको लगता है किसी भी तरह से कोई गलत चीज होने देंगी? क्या आपको अपने देश पर यकीन नहीं है? क्या आपको लगता है कि हम लोग जानबूझ के ऐसा होने देंगे? नहीं नहीं शाजिया जी, उनकी उनकी अनुराग भदौरिया जी की जो प्रॉब्लम है या उनका जो सवाल है शाजिया जी, वो इस बात को लेकर है, ये राजनीतिक है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मेडल से, बस उनको फर्क इस बात से पड़ रहा है कि बीजेपी के प्रवक्ता बीजेपी के प्रवक्ता नाम नहीं उठा रहे। ऐसे में आपसे पूछूंगा तो आपके ही आपके ही सरकार बीजेपी के प्रवक्ता की पलट बोलोगे आप? आपके और मेरे प्रधानमंत्री प्राची जी आपके भी आवाज कम करिए दोनों की। मैं सुनीता जी नहीं है यहाँ पर, मैं सुनीता जी आप ही से एक सवाल का जवाब लेना चाह रही हूँ। अभी जो स्टैंड भारत ने लिया है या जो टेक है अभी भारत का, जो बयान पीटी उषा जी का आया या जो हम कर सकते हैं, क्या भारत वो स्टैंड ले रहा है? क्या अभी सही दिशा में हम बढ़ रहे हैं कि नहीं? देखिए इस बात पे जो इंडियन ओलंपिक संघ है उसको बहुत ही मजबूती के साथ में इंटरनेशनल ओलंपिक संघ से पूरी इंक्वायरी करनी होगी, क्योंकि 100 ग्राम वेट का मामला है तो वेट पे जाके ही रुकना चाहिए, उसको वेट पे ही रिजेक्ट किया गया है उस, तो और कुछ और कोई तो साजिश हो नहीं सकती। या तो वहाँ पर इसका जो मशीन है उसको चेक, कोई टेक्निकल हिच हो उसका पता लगाना होगा। उसके लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को इंटरनेशनल से अपील करें, उनके साथ में आवाज उठाएं, जो भी, लेकिन वो करना होगा। बट जो वेट का मामला है उसमें हमें ये भी देखना होगा कि वाटर रिटेंशन होता है, कई बार पीरियड्स के टाइम में वेट बढ़ जाता है, अदरवाइज जब पहले खा लिया था, और क्योंकि वो पहले से इतनी फिट है कि लास्ट के 100 ग्राम्स कम करना सच में बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट सीन है। लेकिन हाँ, अगर कहीं भी कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है तो उसका पता लगाने का जो लोकस स्टैंड आई है वो इंडियन ओलंपिक संघ ही कर सकता है। सुनीता जी आपसे बस लास्ट में यही पूछ रही हूँ, अभी जो बयान आया हमारे ओलंपिक संघ की तरफ से, जो पीटी उषा ने कहा, उन्होंने कहा कि हम उठा रहे हैं इस पूरे मामले को जहां जहां उठा सकते हैं करना, जो जो हो सकता है हम वो कर रहे हैं, ये स्टैंड इससे आगे बढ़कर कुछ होना चाहिए, यही हम लोग कर सकते हैं जो कर रहे हैं? हाँ, मतलब ओलंपिक संघ को पीछे नहीं हटना चाहिए, पूरे टाइम में उनको अपनी बात को रखना चाहिए कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, क्योंकि पहले भी ओलंपिक्स में ये हो चुका है कि जिस गेम में भारत जीतता आ रहा है उस स्पोर्ट को ही, उस स्पोर्ट्स के उस वाले सेगमेंट को ही खत्म कर दिया गया है, ऐसा पहले भी हुआ है जी। तो ऐसी तो कोई चीज नहीं हुई है, इसलिए उनको पूरा अच्छी तरह से वहां पर, क्योंकि वो लोग वहां पर हैं, ओलंपिक्स में हैं, और प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, और उसमें वो जितना पता लगा सकते हैं उनको लगाना चाहिए। अब इसमें विनेश फोगाट मुकाबले से बाहर हो गई, डिस्क्वालिफाई हो गई, आज रात उनका मुकाबला होने वाला था, सबको बड़ी उम्मीदें थी कि विनेश फोगाट भारत के लिए गोल्ड लेकर आएंगी, लेकिन आज सुबह जिस तरीके से खबर सामने आई उसने भारत की उम्मीदों को तोड़ दिया, और इसीलिए कुछ लोग हैं जो इस देश में ये भी कह रहे हैं कि इसमें साजिश वाला एंगल तो नहीं है, और इसीलिए जांच की मांग की जा रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।